हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर स्वागत है गुड इवनिंग गुड ऑल सब कुछ ठीक है uh, राजस्थान की जोग्राफी का मैराथन सेशन हमने uh, किया था पहले और राजस्थान की जोग्राफी में हमने बहुत सारे uh, वीडियोज जो है हमने कवर uh, किए थे उसके कई पार्ट हमने डिस्कस किए थे आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर मेरा नाम सुरेश पुरोहित है आप अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं जुड़ने का सिंपल सा तरीका है कि गूगल प्ले स्टोर से आप अनअकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे अपने फ़ोन नंबर दीजिए ओ आ जाएगा उसके बाद अन अकेडमी पर कौन से सेक्शन की आप तैयारी करना चाहते हैं जैसे स्टेट पी में आर पर क्लिक करना है जैसे ही आप आर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आर से जुड़े हुए वीडियोज़ आपको दिखेंगे कई सारे वीडियोज़ यहाँ पर फ्री में क्लासेज भी होती है तो अनकेडमी की ऐप को तो हमेशा रखिए रखिएगा दूसरा आप सभी का धन्यवाद कि यहाँ पर लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम चैनल पर जो एक लाख सब्सक्राइबर हुए हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का प्यार जो है ऐसा ही बना रहे हैं लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन अकेडमी का परिवार जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चले यहाँ पर देखिए आप नया बैच जो है हमारा देखो नया बैच हमारा आठ तारीख से शुरू हो रहा है एट्थ जो जून है यहाँ से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और बैच जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है इसके लिए आप वेट ना करें अभी से जुड़िएगा इसमें कम से कम चौदह से पंद्रह सब्जेक्ट के नोट्स आपको पहले ही भेज दूँगा पी फॉर्म में आप उनका प्रिंटआउट निकलवाइएगा हिंदी में नोट्स भी उसमें है और इंग्लिश के नोट्स भी उसमें इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग नोट्स अलग से बनाए गए इसके आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ जो प्रोटेन कोड यूज कर रहे हैं उनके लिए प्री की टेस्ट सीरीज भी है और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है आरबीएससी एनसीआर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आज ही जुड़कर आप मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का कोर्स इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है सोशोलॉजी का कोर्स है अकाउंटिंग ऑडिटिंग का कोर्स है स्पोर्ट्स एंड योगा का कोर्स है ठीक है फिर आप देखोगे तो साइकोलॉजी बिहेवियर का कोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमी का कोर्स है वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है कॉम्प्रीहसिविविवन मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है ये सारे कोर्स आप देख सकते हैं इसमें आर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी ना इंग्लिश मीडियम वालों को ना हिंदी मीडियम वालों को इसके साथ इसमें प्रिलियम प्रीलिम्स की आपकी वीकली टेस्ट सीरीज भी है और इसमें आपकी मेन्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी पी डी फॉर्म में टेस्ट सीरीज होगी प्रोड टेन कोर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल है यहाँ पर आपकी एक साल की फीस सात हज़ार रुपये है और कम्प्लीट कोर्स की और दो साल के लिए जुड़ते हैं तो उसकी फीस आठ हज़ार चार सौ रुपये है लेकिन इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको वहां पर रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा रेफरल कोड में आपको पुरोहित टैन ये मेरा कोड है इसको वहां पर अप्लाई करना है अप्लाई करने से फीस में दस का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे आप एक साल की फीस सात की है तो उसमें सात कम हो जाएंगे आपके और वो हो जाएगी छः की और दो साल की फीस जो आठ हजार चार सौ रुपए की है वो सात हजार पाँच सौ साठ रुपए हो जाएगी इसमें भी दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और केवल पूरे टेन कोड यूज करने से आपको दस परसेंट डिस्काउंट के साथ में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी चलिए राजस्थान की ज्योग्राफी को हम डिस्कस कर रहे थे एंड राजस्थान की ज्योग्राफी में अगर मैं कहूँ तो राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो है हमने डिस्कस किए थे है ना राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किए थे तो हम सीधा जलवायु की तरफ आगे बढ़े थे तो मैं जलवायु की तरफ सीधा लेके चलता हूँ आपको क्लाइमेटोलॉजी या हम क्लाइमेट जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे ठीक है हमने बहुत सारे चैप्टर तो पढ़ लिए थे और क्लाइमेट की तरफ हम आगे बढ़े थे क्लाइमेट 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 नदियाँ हो गई थी हमारी साइक नदियाँ वगैरह हमारे झीलें हो गई थी राजस्थान की उसके बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था साथ में लिख भी रहे हैं आई होप आपके पास में अपने नोट्स होंगे आपके नोट्स होंगे वनों का हमने फॉरेस्ट वाला भी जो है टॉपिक हमने पूरा कर लिया था अभ्यारण्य जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे उसके बाद में हम आगे बढ़े थे जलवायु और जलवायु में हमने जलवायु के कौन कौन से कारण थे क्लाइमेट के कौन कौन से कारण थे वो हमने डिस्कस किए थे आज हम मिनरल्स भी पढ़ेंगे और जलवायु कॉपेन के अनुसार और थॉनवेट के अनुसार इन दोनों के अनुसार जलवायु जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके बाद राजस्थान के खनिज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे ठीक है मुझे याद है लास्ट हमारा यहाँ तक हुआ था और यहाँ से हमारी शुरुआत थी यहाँ से जो है हमारी शुरुआत थी करेक्ट करेक्ट है यहाँ से हमें पढ़ना है आगे यहाँ से जो है हमें आगे बढ़ना है ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं कॉपेन के अनुसार कहाँ गया ये एक मिनट जरा एक मिनट जरा प्रॉब्लम क्या हो रही है यार समझ में नहीं आ एक मिनट हा एक मिनट जरा हम्म चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं ठीक है जलवायु में हम आगे बढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी की तरफ आगे बढ़े हैं और पॉप के अनुसार जलवायु से हम शुरू करेंगे पॉप के अनुसार जलवायु से शुरू करेंगे मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखो कुछ क्लास दो बजे थी तीन बजे इसलिए रखी क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो रहा है बहुत ज़्यादा तो अगर नेटवर्क इश्यू होगा और रुक जाती है तो फिर हम आ, उसका मैं शेड्यूल आगे डाल दूंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम होती है तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू देखिए राजस्थान की जलवायु को हम डिस्कस कर रहे थे तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको उसका एक क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से भी किया जाता है जैसे जोग्राफी में अलग अलग जो है जियोलॉजिस्ट लोग हैं जो अपने अनुसार जलवायु का वर्गीकरण करते हैं ऐसे ही एक महोदय थे कॉपेन कॉपन कॉपेन ने वैसे पूरे वर्ल्ड जो है उसकी क्लाइमेटोलॉजी का उन्होंने डिस्कशन किया था उनकी स्टडी की थी उसके बारे में चीजें लिखी थी कॉपिन ने जलवायु का जब क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ किया था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ अल्फाबेट तय किए थे ठीक है ना अल्फाबेट तय किए थे और ग्रुप्स बनाए थे जैसे ए बी सी डी ई ग्रुप बनाया ठीक है ना तो उसके उसके अकॉर्डिंग जैसे ए ग्रुप है ए ग्रुप में उन्होंने ऐसी जलवायु को रखी जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट आपकी होती है ट्रॉपिकल का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यदि कांगो जायरे बेसिन के लिए वो ए यूज़ कर रहे हैं तो कॉपेन के अनुसार ए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का हालांकि हमें ज़्यादा इसमें तो ज़्यादा मातापुरी में नहीं पड़ना है सीधा सीधा मैं बता दूंगा आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब ये हुआ कि वहां पर गर्मी खूब पड़ रही है और गर्मी के साथ वहां पर रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ठीक है रेनफॉल भी काफी मतलब बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है एक के साथ में अगर बी वो यू यूज कर रहे है तो इसका मतलब है शुष्क जलवायु शुष्क जलवायु का मतलब है ड्राई क्लाइमेट कि वहां पर ऐसी जलवायु जहां जिसमें पानी बहुत कम हो जैसे डेजर्ट वाला एरिया डेजर्ट वाले एरिया में ऐसा होता है वहां पर कैसी क्लाइमेट होती है शुष्क यानी कि हवा चल रही है तो हवा में आपको पानी नहीं मिलेगा वो कैसी होगी हवा ड्राई तो इसके लिए अगर जहां जहां भी रेगिस्तानी एरिया है जैसे जहां जहां भी रेगिस्तानी एरिया है तो वहां पर उन्होंने उसके लिए बी वर्ड यूज किया बी जैसे राजस्थान की भी जलवायु को उन्होंने जब चार भागों में बांटा ना चार भागों में तो आप देखो ये जैसे बी ये जो ना बी वर्ड ये बी ये बी वर्ड बी वर्ड का मतलब यह है कि यहां पर कैसी क्लाइमेट है ड्राई क्लाइमेट है कैसी है शुष्क है क्योंकि अरावली के पश्चिम में अगर आप देखोगे तो हमारा डेजर्ट वाला एरिया कैसा है डेजर्ट वाला एरिया डेजर्ट वाले एरिया में जो क्लाइमेट होती है वो शुष्क होती है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता ठीक है पानी बहुत ही कम होता है पानी ना के बराबर होता है गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पानी ना के बराबर होता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं बी ऐसे ही अलग अलग वो हमें वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है हमें राजस्थान का क्लासिफिकेशन याद रखना है राजस्थान का जो है हमें क्लासिफिकेशन याद रखना ठीक है बी का मतलब एक होती है सी प्रकार की जलवायु जिसको आप कहेंगे कि मध्य अक्षांशीय जलवायु या उष्ण शीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसको हम कहेंगे सब हम कहेंगे कि सब ट्रॉपिकल जलवायु कह सकते हैं या जो हमारा मध्य अक्षांशित जलवायु कह सकते हैं डी का मतलब होता है कि जैसे महाद्वीपीय जलवायु या कॉन्टिनेंटल जो हमारा क्लाइमेट होता है वो वो रहसा तो ये डी प्रकार की जलवायु तो राजस्थान में नहीं मिलती है डी एंड ई डी एंड ई का लेना देना राजस्थान से नहीं है क्योंकि राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है तो डी एंड ई का राजस्थान से लेना देना है नहीं ए बी सी में ही राजस्थान का काम हो जाएगा ए बी सी में ही राजस्थान का काम हो जाएगा ठीक है तो तरीके से क्लासिफिकेशन किया क्लासिफिकेशन किया दिख रहा है वर्गीकरण किया है तो राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने चार भागों में बांटा एक तो जिसको कहेंगे कि ए डब्ल्यू जलवायु एक है बी एस एच डब्ल्यू जलवायु एक बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जलवायु और एक है आपकी सी डब्ल्यू जी जलवायु ठीक है और एक है आपकी ए डब्ल्यू जलवायु देखो ये है क्या है? ये है क्या है? देखो जैसे आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है सिंपल स्वरूप से बीच में अरावली बनाओ बीच में अरावली बनाओ ओपेन ने अरावली के इस तरफ दो प्रकार की क्लाइमेट बताइए और अरावली के इस तरफ दो प्रकार की क्लाइमेट बनाइए ठीक है बताइए अरावली के इस तरफ जो दो प्रकार की क्लाइमेट बताई है वो दोनों ड्राई से जुड़ी हुई है शुष्क लेकिन आप सबसे पढ़ा होगा कि रेगिस्तान हमारा दो तरीके का होता है एक ड्राई एंड एक सेमी है एरिड और एक सेमी एरिड जिसको हम कहेंगे तो ये जो है आप आप एकदम वेस्टर्न राजस्थान में एकदम बॉर्डर वाले एरिया में जाओगे एकदम बॉर्डर वाला जहां पर हमें रेत के धोरे वगैरह खूब मिलेंगे जहां पर हमारा जैसलमेर बीकानेर वाला एकदम जो रीजन है ठीक है ना उसका भी एकदम रेगिस्तानी जो एकदम वेस्टर्न वाला भाग है अरावली के एकदम वेस्टर्न साइड में जाओगे ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो जलवायु मिलेगी ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू यहां पर बी का मतलब होता है शुष्क और डब्ल्यू का मतलब होता है डेजर्ट वाले जलवायु ठीक है एच डब्ल्यू का मतलब वनस्पति को, को वर्षा को लेकर उन्होंने इंगित किया है ठीक है ना बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू उसके नीचे आओगे उसके थोड़ा नीचे आओगे तो इसको कहेंगे हम सेमी एरिड कहेंगे तो बी का मतलब तो ड्राई यानी कि यहां पर भी आ, क्या होगा कि ड्राई प्रकार की जलवायु होगी जिसमें पानी नहीं मिलेगा एस का मतलब हो गया स्टेपी एच डब्लू वही है एच डब्ल्यू वही है तो यहाँ पर बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब हो गया कि शुष्क भी है और डब्ल्यू का मतलब हो गया डेजर्ट वाली भी है शुष्क भी है और कैसी है डेजर्ट वाली भी है ठीक है और बी एच एस डब्ल्यू का मतलब हो गया कि शुष्क तो है लेकिन कैसी है स्टेपी स्टेपी जलवायु कैसी होती है स्टेपी स्टेपी का मतलब होता है ग्रासलैंड जहां पर हो जहां बड़ी बड़ी घास उगा उसको आप क्या कहेंगे स्टेपी प्रकार की जलवायु जैसे यहाँ पर एक लाठी सीरीज वाला एरिया है यहां पर आपको ग्रासलैंड दिखाई देगा झुंझुनू में जैसे बीड़ झुंझुनू वाला एरिया है वहां पर थोड़ा ग्रासलैंड दिखाई देगा यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान में एकदम जहां पर खूब सारा डेजर्ट है वहां पर घास इतनी मिलेगी ग्रासलैंड इतना नहीं मिलेगा लेकिन आप थोड़ा सा अरावली के एकदम आप इस एरिया में आओगे बीडब्ल्यू एच डब्ल्यू में तो यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु कॉपेन ने बताई है कॉपेन ने बताई है तो बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब ये हो गया कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु बी डब्ल्यू जो आपका एच डब्ल्यू हो गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब यह हो गया कि बी का मतलब तो यह है कि आपकी ड्राई है यानी कि आपकी शुष्क है ड्राई है यानी कि शुष्क है डब्ल्यू का मतलब यह हो गया कि मरुस्थलीय है ठीक है ना डब्ल्यू का मतलब हो गया कि मरुस्थलीय है ठीक है, HW, है ना मरुस्थलीय और एच डब्ल्यू मतलब वो जलवायु से इंगित करता है उन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर बनाया कैसी है डेजर्ट वाली है डी डेजर्ट वाली ठीक है अब इसके बी डब्ल्यू अब इसको मैं ऐसे लिखू बी एस एच डब्ल्यू लिख लू तो बी का मतलब तो ड्राई हो गया यानी कि शुष्क हो गया ठीक है ना और एस का मतलब कैसा हो गया स्टेपी वाली हो गया कैसा हो गया स्टेपी वाला तो बी एच एसडब्ल्यू का मतलब किया, स्टेपी जलवायु ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है ए ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू राजस्थान में यहां मिलती है ये ये ए डब्ल्यू वाला रीजन जहां से होकर राजस्थान की राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है है ना राजस्थान में क्या कर्क रेखा गुजरती है तो ये जो है ए डब्ल्यू टाइप की जो जलवायु है आप देखोगे तो ए डब्ल्यू टाइप की जलवायु को वैसे मुख्य रूप से तो इसको आ, कहा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ठीक है ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु उत्थ ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट है यहां पर बारिश खूब होती है झालावाड़ है डूंगरपुर है बांसवाड़ा में यहां बारिश खूब होती है तो ये उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु है गुड इवनिंग और ये सी डब्ल्यू जी जो है जिसमें राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है इसको कहेंगे उपोष्ण कटिबंधी आर्द्र जलवायु इसको हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट है आर्द्र जलवायु टाइप की एक क्लाइमेट है तो ये चार प्रकार से इन्होंने बांटा है कई बार इसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि आप जो है आ, इसमें सुमिलित करके बताइए जैसे प्री में भी कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है जैसे ये मैप बना देते हैं ऐसे ठीक है ऐसे मैप बना देते हैं और मैप बनाने के बाद में मैप बना दिया फिर ऐसे बताते हैं कि एक नंबर ठीक है दो नंबर तीन नंबर ऐसे दे देंगे और फिर यहां पर देंगे फोर नंबर फिर आप कहेंगे कि राजस्थान में कॉपेन के अनुसार दो नंबर पर राजस्थान की कौन सी क्लाइमेट मिलती है राजस्थान में कौन सी क्लाइमेट जो है वो मिलती है दो नंबर पर कुछ इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो आपको एकदम वेस्टर्न की बात करें तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू की बात करें अभी मैं इसका थोड़ा वो बताऊंगा बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू की बात करेंगे सेकंड नंबर पर जो जलवायु है उसको आप आप कहेंगे कि बी एस एच डब्ल्यू कहेंगे ठीक है स्टेपी प्रकार की जलवायु ये जो है आपकी जलवायु जलवायु जो है ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है और ये जो आपकी है सी डब्ल्यू जी सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू जी प्रकार की ये जो है क्लाइमेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है अब इसमें अब इसमें अपन बात करेंगे ना तो काम तो वही है काम क्या है जैसे अब कॉपन कहेगा कि यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है तो जीरो से बीस यहाँ से यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है बीस से चालीस यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है साठ से अस्सी यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है अस्सी से सौ ठीक है यहाँ पर वनस्पति कैसे मिलेगी अब रेगिस्तानी एरिया वो तो मैंने आपको बता दिया है कि मैदानी भाग में कैसी वनस्पति मिलती है क्या मिट्टी मिलती है कौन सी मिट्टी मिलती है तो बात तो वही है उसमें कोई अंतर बड़ा है नहीं ठीक है ना तो ये आपको ध्यान में रखना है जो आपसे पूछी जा सकती है या कई बार ऐसा भी सवाल पूछते हैं ये ना पूछकर ऐसा सवाल पूछते हैं जैसे आ, जैसे मैं आपको तरीका बताऊं इस सवालों से सवा, इसमें जो है इसमें याद रखने की और ज्यादा जरूरत नहीं जैसे पूछेंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी जलवायु मिलती है कॉपन के अनुसार डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा में तो आप सबको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है ए डब्ल्यू टाइप की जलवायु मिलती है तो ये ए डब्ल्यू में मैप से आपको मैप से ध्यान में रखना है डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ जो है इस रीजन में आपको ए डब्ल्यू टाइप की जलवायु मिलेगी फिर आपको पूछेंगे इस तरीके से कि भाई जैसे टोंक में कोपेन के अनुसार टोंक व स्वाई माधोपुर में किस प्रकार की जलवायु मिलेगी तो ये सी डब्ल्यू जी प्रकार की जलवायु मिलेगी यहाँ पर आप देखोगे तो जोधपुर है नागौर है बाड़मेर है पाली है थोड़ा बहुत सिरोई है आ, है ना ये वाले जिले में ये सीकर है झुंझुनू है इस वाले रीजन में कौन सी जलवायु मिलेगी तो बी एस एच डब्ल्यू प्रकार की जलवायु मिलेगी और एकदम वेस्टर्न भाग में बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू तो बाकी इनकी विशेषताएँ वही है बाकी इनकी विशेषताएँ जो है आमतौर पर वही दिखाई देगी ठीक है तो ये कोपेन के अनुसार एक क्लासिफिकेशन है जो आपको ध्यान में रखना है तो एक तो आप मैप बनाओ ये भले आपके आपकी नोट्स में हो तो एक तो मैप बनाओ ठीक है ना सब लोगों को अभी मैं इसको लिखवा देता हूं आपको समझ में आ जाएगा एक तो इसमें मैप बनाओ सब लोग लिख रहे हैं ना नोट्स तो है सबके पास नोट्स है सबके पास ट्रॉपिकल एडिट क्राइम एल जॉन बिल्कुल तो एक तो मैप बनाओ अच्छा खासा सबसे पहले तो एक तो मैप बनाओ आप अपने हाथ से जहाँ पर भी गैप है ना वहाँ पर भी एक मैप बना दो एक तो मैप बनाओ आज क्या खनिजों वाला टॉपिक भी अपने कवर करना है एक तो मैप बनाओ ऐसा छोटा सा ज़्यादा बड़ा मत बनिए बनाइएगा ठीक है एक मैप बनाओ और मैप बनाकर मैप बनाकर आप लिखो थोड़ा इस तरीके से यहां वेस्ट एक भाग ये बनाना एक पार्ट ये बनाना और लिखना बी W एस W अब मैं समझा दूंगा बी W एस W हाँ बी W एस W फिर यहां पे लिखना बी एस एच डब्ल्यू एक मिनट क्या मैप बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू हाँ ये बना दो ना यहाँ बना हुआ है ना यहाँ पे बना दो ये वाला मैप बी डब्ल्यू एच डब्लू बी एस एच डब्ल्यू सी डब्लू जी एन ए डब्लू सी डब्लू जी एंड ए डब्लू ठीक है ये जो बी एस एच डब्ल्यू है इसको कहेंगे स्टेपी इसको क्या कहेंगे स्टेपी एंड ए डब्ल्यू जो है इसको कहेंगे सवाना ग्रासलैंड मिलती है अभी बात करेंगे सवाना ग्रासलैंड इसको कहेंगे सवाना ठीक है बनाया सबने ये बनाया सबने अब इसके आगे ऐसे लिख लेना आप इसके आगे लिख लेना आप इसके आगे लिख लेना इसके आगे लिख लेना कि उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थलीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट जोन हाँ लिख सकते हैं ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट जोन ठीक है ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट जोन इसका आगे लिखना बी एस एच डब्ल्यू इसका आगे लिखना कि उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है शुष्क मुरुस्थलीय जलवाईया ठीक है ना उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है फिर यह शुष्क या स्टेपी जलवायु इसको आगे लिखना शुष्क सेमी एरिड सेमी एरिड ड्राई क्लाइमेट शुष्क जलवायु सेमी एरिड क्लाइमेट या इसको स्टेपी इस भी कहेंगे सेमी एरिड क्लाइमेट या स्टेपी जलवायु भी कहेंगे हाँ सेमी एरिड सेमी एरिड या भी कहेंगे? स्टेपी डब्ल्यू जी जो है सी डब्ल्यू जी सी डब्ल्यू जी को कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल